नमस्कार मित्रों, मैं चंदन सिंह अपने जागृति टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ घंटे का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं चंदन सिंह इस तरह के वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ जिससे आपको भविष्य में आई कई परेशानियों से मुक्ति एवं समाधान मिलेगी। इसी संदर्भ में आज मैं बात करना चाहूंगा पावर ऑफ मोटिवेशन के बारे में। इसके संदर्भ में मैं एक कहानी के जरिए आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं। एक बहुत ही सिद्ध और सच्चे भक्त थे, सदैव प्रसन्न रहते थे। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, महाराज आपको कभी अप्रसन्न नहीं देखा, आप हमेशा कैसे प्रसन्न रहते हैं? संत ने उत्तर दिया, मैं अपनी प्रसन्नता से पहले तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे बारे में? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। संत ने कहा, हाँ बेटे, तुम्हारे बारे में। दरअसल तुम आज से एक सप्ताह बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह भविष्यवाणी सुनकर शिष्य सन्न रह गया। उसके मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसी दिन उसके स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। वह छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ गया, सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगा। उसके मन में उदारता ने जन्म ले लिया था। अचानक एक सप्ताह बाद वह संध्या कर रहा था। उसके मन में मृत्यु की कल्पना थी। तभी वह संत वहां आ गए और उन्होंने उससे पूछा, कहो कैसा लग रहा है? शिष्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज इस पूरे सप्ताह मुझे किसी पर क्रोध नहीं आया, कड़वा भी नहीं बोला, बल्कि सबके साथ प्रेम पूर्वक रहा। सोचा क्यों थोड़े समय के लिए बुराई का टोकरा अपने सिर पर उठाऊं? संत ने कहा, मैंने तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी इसलिए की थी कि तुम जान सको कि मृत्यु को याद रखने वाला क्रोध, घृणा, वैरस्या आदि के बारे में मैं सोचता भी नहीं। यही मेरे प्रसन्न रहने का कारण है। जाओ प्रसन्न रहो, अभी तुम्हारी आयु काफी शेष है। मित्रों, इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि मृत्यु तो जीवन का एक अभिन्न अंग है, इससे डरना क्या? इसे याद रखकर हम भय मुक्त रहना सीखते हैं और अब जीवन में कुछ अच्छाइयों को ग्रहण कर बहुत सी बुराइयों से दूर रह सकते हैं, जैसा कि हमने इस प्रसंग में देखा है। तो मित्रों, हमेशा याद रखें, जब तक मन में भय रहता है तब तक आत्मा परिपूर्ण नहीं रह सकती और आप सुखी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उसकी चिंता सोच में आप डूबे रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपनी सोच में बदलाव लाएं, सकारात्मक नजरिया बनाएं, भय को संभालकर चलने की प्रेरणा स्वरूप माने। जो घटना होनी है उसे टाला नहीं जा सकता, यह प्रकृति का नियम है। इसलिए सकारात्मक दृष्टि से आप हर परिस्थिति को खुशी से स्वीकार कर उसी में आनंद की अनुभूति लें। इसी में आपका भयमुक्त जीवन है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पावर ऑफ मोटिवेशन की कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस तरह की और कहानियां एवं महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे जागृति टीवी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटे का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।